नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां केंद्र की भाजपा सरकार कृषि विधेयकों को किसानों के लिए अच्छा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा की सरकार ने दूसरे राज्यों से फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को हरियाणा की सीमा पर ही रोक दिया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक कर यूपी के 50 किसान गैर बासमती चावलों की उपज लेकर सरकारी मंडी में बेचने के लिए हरियाणा के करनाल जा रहे थे। इस पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने इन किसानों को राज्य की सीमा पर ही रोकने का आदेश दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार गैर बासमती चावलों की विभिन्न किस्मों की फसलों को एमएसपी नहीं खरीदती है, जबकि हरियाणा सरकार इन उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। इसी कारण हर साल यूपी के बहुत से किसान अपनी फसल बेचने हरियाणा आते हैं। जानकारी है कि जिला प्रशासन कथित रूप से ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यही फसल उपजाने वाले स्थानीय किसानों को वरीयता दी जाए, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि गैर बासमती किस्मों के चावल बेच रहे किसानों को पहले हरियाणा सरकार के एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो दूसरे राज्यों के किसानों पर हरियाणा में आकर अपनी उपज बेचने से रोकता है। हालांकि हमारा एक पोर्टल है जहां किसान अपनी डिटेल भर सकते हैं, इससे हमारे लिए उनसे उपज खरीदना आसान हो जाता है। हर रजिस्टर्ड किसान को बाज़ार में आने के लिए एक SMS के ज़रिए तारीख दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमने इन किसानों से उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा है, जब वो रजिस्टर कर लेते हैं तो उन्हें भी वैसा एक मैसेज भेजा जाएगा, फिर वो तय तारीख पर बाज़ार में अपनी उपज बेचने आ सकते हैं। गौरतलब है कि किसानों और कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक स्थानीय किसानों को वरीयता देने के लिए राज्य सरकार ने एक बहाना निकाला है, लेकिन ये केंद्र की मोदी सरकार के किसान विधेयकों को बिल्कुल उलट है। विरोध प्रदर्शन में किसानों के बीच MSP का सबसे बड़ा मुद्दा है। MSP वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। यह इसलिए रखा जाता है ताकि किसानों की मेहनत की कीमत उन्हें मिल सके, लेकिन किसानों का मानना है कि नए विधेयकों में ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है और अब वो कॉरपोरेट कंपनियों को दबाव में आ जाएंगे और उन्हें अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।